हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एग बाइट्स, और इसमें मैं काफ़ी सारी वेजीज ऐड करूँगी, जिससे कि जो बच्चे वेजीज नहीं खाते हैं वो इस रेसिपी के थ्रू वेजीज खा सकते हैं। तो चलिए हम इस अपनी हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एग बाइट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 एग ले लिए हैं। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे, एक फोक की हेल्प से इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है सारे एग्स को। अब हम एक पैन में 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। और प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है, इसलिए इसको हम 1 से 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। और इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर, और इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गाजर। तो यहाँ पे मैंने 1 बारीक कटा हुआ गाजर लिया है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप और भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसको हम कुक कर लेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मटर के दाने, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे सारी वेजीज में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद हो तो। और अब हम इस सारी वेजीज को ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि जो सब्जियां हैं सारी अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये जो हमारी सब्जियां हैं इनको हम ये एग वाले बैटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक अप्पे पैन लिया है, इसमें हम सारे ब्लॉक्स में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और इसको एक ब्रश से सारे ऑयल को हम स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमारा एग वाला बैटर है सारे ब्लॉक्स में हम डाल देंगे, और गैस का जो फ्लेम है उसको हम लो रखेंगे। इसको हमें लो फ्लेम पर ही कुक करना है सारे एग बाइट्स को। तो यहाँ मैंने सारे ब्लॉक्स में जो मिक्सचर है उसको ऐड कर दिया है, और हम इसको 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, और इनको हम दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे जो एग बाइट्स हैं उनको टर्न कर लिया है, और हम इसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक कुक करेंगे। और हम इसको एक बार और टर्न कर लेंगे, अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने फ्लफी बने हैं हमारे जो एग बाइट्स हैं। तो हमारे जो एग बाइट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम सेम प्रोसीजर से जो बाकी का बैटर हमारा बचा हुआ है उसको
उसको भी ऐड कर देंगे सारे ब्लॉक्स में। और जो हम ऑयल हमने डाला था ब्लॉक्स में, अब दोबारा से नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्लॉक्स में बैटर को ऐड कर दिया है। इसको भी हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम इनको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको 2 मिनट तक कुक करेंगे। और हम गैस का फ्लेम जो है वो लो ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो एग बाइट्स हैं वो दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये लीजिए, हमारे जो एग बाइट्स हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। आप इनको अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा बना के। बच्चों को आपके बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इनमें काफ़ी सारी वेजीज ऐड की है मैंने, और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है ब्रेकफास्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।